वक्त मैं जनरल हॉस्पिटल मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर मनोज स्वामी के पास मौजूद हूँ और ये इन्होंने सैनिटाइजेशन जो गेट लगाया है इसके हवाले से मैं इनसे बात करेंगे कि ये पंजाब भर में अपनी नौयत का ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे इतने खूबसूरत इंतजाम किए गए हैं और पेशेंट के हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे सेंसर भी हाथों के लिए सेंसर भी इन्होंने लगाए हैं यहाँ पे ताकि जो पेशेंट यहाँ पे अंदर आता है या अटेंडेंट आता है वो उस सारे प्रोसेस से गुजर के फिर अंदर जाए ताकि जो जरासीम हैं वो अंदर ना जा सके। मैं आपको मीडिया के तवसत से ये बताता चलूँ कि जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का विजन है कि हमने अस्पतालों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन और जरासीमों से पाक करना है, स्पेशली आजकल कोरोना के रेफरेंस से हमने एक सैनिटाइजेशन गेट बनाया है, एक टनल बनाई है। इसमें से जब कोई पर्सन, कोई शख्स, कोई मरीज गुजरेगा तो वो एक दफ़ा बिल्कुल ऐसे उसके जो जरासीम हैं वो तमाम जो हैं उनसे उसका छुटकारा हो जाएगा। तो ये जिस तरह हमने प्रिंसिपल साहब की हिदायत के मुताबिक ये गेट इंस्टॉल कर दिया है और इसका जो फ़ायदा है वो तमाम पब्लिक को होगा और इसके साथ ही हमने सैनिटाइजेशन और ऑटोमेटिक जो टैप है, ऑटोमेटिक टैप का मतलब ये है कि आप टैप के नीचे हाथ रखेंगे खुद ब खुद चल पड़ेगा और उसके साथ ही हमने उसको ड्राई करने के लिए एयर ड्रायर भी लगाए हैं ताकि फौरी तौर पर जिस तरह हाथ हम वॉश करते हैं उसको हम ड्राई कर लें, इससे भी हमें जरासीमों से पाक करने में मदद मिलेगी। तक कि आपको हमारे साथ डॉक्टर महमूद सलाउद्दीन मेडिकल स्टूडेंट जिना जनरल हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस हवाले से सैनिटाइजेशन के हवाले से हमें बताया कि जो इन्होंने सेंसर लगाया, सेंसर गेट लगाया और पेशेंट के जो मुश्किल मामलात थे उनसे गुजरते हुए वो सारे मामले उनके लिए आसानियाँ पैदा हों मरीजों और उनके और पेशेंट के अलावा टीम के लिए। और यहाँ पर खसूस पर अमला इनसे बहुत बेहद खुश है और हमने यहाँ पर कुछ अमले से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट ने हमें हॉस्पिटल के अंदर जो एक गो की कशमकश थी जो पैनिक क्रिएट हुआ था कोरोना के हवाले से कि एम एस साहब ने और प्रिंसिपल साहब ने ज़ाती कोशिशों की वजह से हमने यहाँ पे बहुत सी मार्केट मुहैया की और हमारे साथ बड़े ऐसे तरीके से पेशेंट और खसूस उन्होंने हदायत भी की कि पेशेंट के साथ बड़ा नरमगोशी से तो कहीं लगाइए अपना अख्तियार करें। जी पंजाब में पहला लगाया गया है और ये देखिए हमारे सामने कैसे लोग कैसे जाएंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा ये क्या सिस्टम है, ये क्या है, ये डिब्बा किस चीज़ का बनाया गया है और इसके बारे में डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे। हमारा एक केमिकल है केमिकल जो है वो वायरस को मार देता है, उसका ये फायदा है कि जो आप बाहर से कोई इन्फेक्शन लेके आते हैं जब इससे गुजरते हैं तो आपकी इन्फेक्शन वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो एक पेशेंट से कोई दूसरे को नहीं होती। दूसरी बात है अगर आपके जिस्म में कोई लगा हुआ है और आप घर की तरफ जाते हैं तो आप घर में जो इन्फेक्शन लेके नहीं जाते, आपके सारे इन्फेक्शन जैसे करते हैं या घर लेके नहीं जाते, फिर हमको कुछ रोजाना वाली मीटिंग हो रही होती है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो तो एक से दूसरे को लग सकती है। ये सारा इसका जो मेन एम है वो इस इन्फेक्शन करना और एक से दूसरे को स्प्रेड से बचाने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया है। इससे जो गुजरता है इन्फेक्टेड हो जाता है फिर वापस आता है फिर हो जाता है तो घर भी इधर हॉस्पिटल से इन्फेक्शन है, नहीं तो अदरवाइज डॉक्टर जो भी है इधर इलाज कर रहा है वो यहाँ से इन्फेक्शन घर लेके जाते हैं। हमने कहा कि यहाँ की इन्फेक्शन यहाँ ही ख़त्म करके तो आपके हर बड़ा स्कूल से जाए आपको भी पता होगा कि मैं घर इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करूँगा। तो पेशेंट के हवाले से आप आवाम को क्या मैसेज? मैं जो पेशेंट यहाँ पे आए तो वो यहाँ पे आके क्या हमने से काम कर रहे हैं, कैसे उसके हवाले? हमने भी एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस बना दी है, उस पर जाके उसके बनाए वहाँ गाइडेंस के लिए हमने और अपना सबसे पहला है कि आप सोशल डिस्टेंस, दूसरा है कि आपने हाथ बार बार धोए, तीसरा जो है अपनी डाइट को बेहतर रखते हैं, चौथा है कि अगर प्रॉब्लम हो गया तो आप आए हम हर वक्त आपके लिए आसन है आपका टेस्ट भी कराएंगे आपका इलाज भी करेंगे और हमारे पाकिस्तान में इसकी जो है इसका अभी तक भी लोगों को बीच दिया बिल्कुल जो फिफ्थ चीज़ है जो बहुत जरूरी है हमने यहाँ हेल्पलाइन लगाई जो यहाँ का जो इसको टेली मेडिसिन का नाम रखा है टेली मेडिसिन की
हर बैठे बैठाए आप कॉल करेंगे, आप एडवाइस भी ले सकेंगे और स्काइप पे जाके आप डॉक्टर से बात भी प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे और अपने बारे में आपको बहुत जल्दी है हॉस्पिटल आए घर बैठ के भी आप बताया कि है क्या सिस्टम। ये होता है कि आप घर में बैठे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हुई गले में, काश भी आप डॉक्टर से मशवरा लेना चाहते हैं कि आप वहाँ बैठ के डॉक्टर हमारे हर वक्त मौजूद है अराउंड दी क्लॉक, आप कॉल करेंगे वो आपको मशवरा देंगे कि आपने हॉस्पिटल आना है या नहीं आना, नहीं आना तो आपको वो रिकमेंड कोई दवाई कर देंगे उसके बाद जी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जाफर शाह जो फोकल पर्सन भी हैं जनरल हॉस्पिटल के, उन्होंने हमें ये पैनल के और कैंसर के हवाले से यहाँ पे कुछ बताया और हम ये अब बोलेंगे कि रक्षा सब कहेंगे कि हमें अगर इस प्रॉब्लम के हवाले से जरूरत करें ये हम चलाएंगे तो चलेगा जिससे कि इन्फेक्शन हमारी दूर होती रहेगी और हम फिर तो राउंड करें से में साउंड हम करेंगे कि हमारे में कोई इन्फेक्शन नहीं, तो उससे है कि हमारे कपड़ों पे कोई इन्फेक्शन होगी वो भी खत्म हो जाती है, हमारे हाथों पे और दूसरे किस्म पे होती है तो वो भी खत्म हो जाती है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है जी। बड़ी खूबसूरत अंदाज से डॉक्टर जाफर शाह ने जैसे बताया और इनके बारे में लोगों का यहाँ कहना है कि ये बड़े हम्बल मिजाज बड़े आदि इंसान हैं और पेशेंट से हज़ारों लोग पेशेंट से मुस्तफ़ीद होते हैं और मैं भी इस प्रोसेस के हवाले से मैं प्रोसेस से गुजरूँगा और देखूँगा कि ये कैसा खूबसूरत अमल है। मैंने बनाया है और मैं इसके अंदर इस वक्त मौजूद हूँ और बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ और तमाम वायरस जो है जो अंदर इन्फेक्शन है तो वो खत्म होगी। इस वक्त मैं जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ AMS एडमिन डॉक्टर जाफर शाह मौजूद हैं और पंजाब भर में अपनी नॉलेज का पहला हॉस्पिटल है जहाँ मेन गेट के एंट्रेंस पर इन्होंने सेंसर लगाए हैं और ताकि पेशेंट को जो दुश्वारी का सामना था ताकि और इंसानियों को भी कोरोना के हवाले कोरोना फैल ना जाए और ये कोरोना की रुकावट के लिए इन्होंने सेंसर यहाँ पे लगाए हैं और हम इस पर बात करेंगे डॉक्टर जाफर शाह से जो AMS एडमिन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। ये जी हमने क्या दो बेसन और उसके साथ सेंसर लगाए हैं कि जो पेशेंट इधर एंटर होगा वो पहले सबसे पहले अपने हाथ धोगा, धो के डिसइंफेक्टेड हो के फिर जाके उसकी स्लिप बनेगी और आगे हमने सेंसिटाइजर रखे हुए हैं वहाँ हाथ दोबारा धोएगा फिर अंदर वो पेशेंट जाएगा और अपने आप को चेक करा जाएगा। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये जितना आप हाथ धोएंगे उतने जरासीम खत्म होंगे और आप एक से दूसरे मरीज को बीमारी शिफ्ट नहीं करेंगे, अगर हाथ नहीं धोएंगे वैसे हाथ मिलाएंगे तो उससे एक से दूसरे को बीमारी होती है, इसलिए हमने सोचा है कि हम शुरू में गेट के साथ ही जो पेशेंट यहाँ एंटर होगा वो अपने हाथ धोगा डिसइंफेक्ट करेगा से बीमारी एक से दूसरे में शिफ्ट नहीं होगी और उससे बेहतर। ये हमारे लाहौर में ये पहला अस्पताल है जो गेट के साथ हमने ये लगाए हैं और लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। सर इस वक्त हम 5 लगा चुके हैं एमरजेंसी में OPD में और हमारे आउटडोर के अंदर भी हमने एक लगाया है और हम लगाना चाह रहे हैं, ये डोनेशन बेसिस पे लगा रहे हैं, गवर्नमेंट में कोई ऐसे अखराजात नहीं है कुछ नहीं, डोनेशन बेसिस पे हम उससे जगह पे लगा रहे हैं। ये शाह साहब हमारे साथ आएंगे या बताएंगे सेंटर के हवाले से यहाँ पे ये क्या तरीकाकार और ये कैसे बताएंगे। जब पेशेंट आएगा सबसे पहले वो अंदर हाथ रखेगा उसको सैनिटाइजर पड़ेगा तो हाथ हम साफ करेंगे, फिर उसके बाद ये हमारे पास सोप है, हमने सोप लगाया है तो अपना हाथ सोप से अच्छी तरह वो धोएगा और ये दोबारा चलेगा, इसको आपने सिर्फ हाथ नीचे लेके जाना पानी खुद खुद चल पड़ता है, इसका ये ज़रूरी नहीं कि टच करने कुछ नहीं करने की, टच करने से इन्फेक्शन एक दूसरे से ट्रांसमिट होती थी जिसकी हमने सेंसर लगाए कि जिससे बीमारी एक दूसरे में ट्रांसमिट ना हो वो ऐसे जान जैसे हाथ धोएंगे इससे आपकी बीमारी दूर होगी और एक दूसरे को स्प्रेड भी नहीं करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं BMS एडमिन डॉक्टर चिराग साहब, ये हमें बताएंगे कि इन्होंने कोरोना के हवाले से जनाब इधर जनरल हॉस्पिटल में क्या इकदाम किए हैं और ये हमें दूसरे सेंटर की तरफ लेके जाएंगे और हमें बताएंगे और आपने आपको मास्क तो लगा देंगे, आप ये कैसा महसूस कर रहे हैं जी? जी काम से भी हमें बताया कि ये बहुत अच्छा इकदाम है हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि इस तरह के इकदाम तमाम हॉस्पिटल में किए जाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को मुस्तफ़ीद हो सकें। ये बात करेंगे हमारे साथ TMS एडमिन है ये काम से बताइए कोरोना के हवाले से आपने अभी हॉस्पिटल में क्या करना है? जो सबसे अच्छी ब्रीफ किया है हमारे AMS एडमिन, सबसे पहले तो मैं उनकी काविशों को सराहूँगा
ये उन्हीं की कोशिश की वजह से ये सिस्टम डाउन हुआ है यहाँ पे। और दूसरा मेरी कोशिश ये है कि जो पेशेंट भी हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो रहा है उसको मैंने दो अपने एम्प्लॉइज को खड़ा किया हुआ है से, और वो टोटली ब्रीफ कर रहे हैं कि इतना आपने हैंड वॉश करना है, और हैंड वॉश करके फिर उन्होंने आगे से हमारी स्लिप बनवानी है पर्ची काउंटर से, उसके बाद उन्होंने थर्ड स्टेप पे अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, सैनिटाइज करके फिर उन्होंने अपने अपने रेलिवेंट आउटडोर जहाँ उन्हें चेक कराना है वहाँ पर जा कर चेक करा के इसी एंट्रेंस तक पाए। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने मेरे बेसिकली गाइडलाइन दी और ये मेरे पास मेरा कैमरा बताया था कि ये दिखाएंगे कि वो एस ओ पी क्या बनाए हैं, उस पर इंतजामिया है, ये सब एस ओ पी है कि अपने हाथ पानी से हाथों में साबुन बनाए और अच्छी तरह साफ बनाए, अपने अच्छे अच्छे दूसरे के साथ अच्छी तरह लग रहे हैं और इनके दरमियान आप इधर आ जाए, अब हाथों को पानी से अच्छी तरह धोए, गीले हाथों को हवा में बनी चाहिए हवा के लिए, एक खवातीन भी इसका मौजूद हैं और वो देख रही हैं तो लगता है मेरा गर्दन कंफ्यूजन हो रही है कि ये कैसे सेंसर को हमें इस्तेमाल करना है, और ये खवातीन हमें कुछ बताना चाहेंगे। माजी आप हमें कुछ बताएंगे कि ये आपको कैसे महसूस हो रहा है हॉस्पिटल में काम किया यहाँ पे सेंसर के लिए? खवातीन यहाँ पे देखा कि जैसे कि पेशेंट की रफ्तार बढ़ती है जब जाती है और तमाम सिक्योरिटी की इंतजाम इनके बड़े अच्छे हैं। ये हैंड ड्रायर भी है यहाँ पे, हैंड ऐसे ड्रायर हो रहे हैं, ये हैंड ड्रायर भी डॉक्टर ने बताया कि इसके बाद हैंड ड्रायर भी है ताकि वहाँ कुछ करके रखें। ठीक है।